हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो है कल ईद है, तो इसलिए जो है वीडियो बनाना जो था वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने टाइम निकाला है क्योंकि मुझे शॉपिंग तो आपसे शेयर करनी थी क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। ये देखिए, ये मैंने जो है आपको एक फ़्रॉक सी दिख रही होगी, लेकिन ये गाउन है पूरा कॉटन का। मैं जो हूँ कॉटन के कपड़े ही पहनती हूँ ज़्यादातर, और मैं ये ज़्यादा हैवी कढ़ाई के कपड़े कभी नहीं पहनती। ऐसे ही कपड़े लेती हूँ मैं जो स्कूल के फंक्शन में भी इजीली पहने जा सकें। और ये देखिए, ये जो कपड़ा है ये लिनन के कपड़े में है, पूरी गाउन मेरा नीचे तक, और ये गाजरी और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें बस ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है साइड में, जो आपको ये चार फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ये बस थोड़ी सी है इसमें, और बाकी सारी तो ये रेशम की कढ़ाई है इसमें, इसकी स्लीव्स पे और इसकी साइड में, जो साइड की ये जगह है यहाँ पे क्रीम और गाजरी कलर का ये कॉम्बिनेशन है। और ये पूरी फ्रॉक तो नहीं कहेंगे, इसे पूरा गाउन ही कहेंगे, पूरा नीचे तक है ये मतलब। और ये इसके साथ मैंने ली है ये पजामी, ये अलग से लिया है ये मैंने, लक्स लायरा की है ये। और ये जो है ये दुपट्टा जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी मैंने अलग से लिया है, ये भी इसके साथ नहीं है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो है मिर्गान का वर्क हुआ हुआ है। और ये इसके साथ जो मैंने लिए हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे हैवी इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हैवी इयररिंग्स पहनती हूँ मैं, स्कूल में तो नहीं लेकिन हाँ कपड़े ज़्यादा हैवी नहीं पहनती, लेकिन इयररिंग्स हैवी पहनती हूँ। लेकिन मैंने इस ड्रेस के साथ अपने दो इयररिंग्स लिए हैं। एक तो अगर कहीं हैवी इयररिंग्स पहनना हो तो हैवी पहन लिए जाएँ, और अगर हमें कहीं हल्के पहनने हैं तो वो भी पहन लिए जाएँ। ये इयररिंग्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे मुझे, बस इसलिए मैंने ले लिए। ये थोड़े हैवी हैं तो इसलिए ये इसके साथ कान चेन भी लिया है मैंने इसके साथ लगाने के लिए, ताकि हमारे कान के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोटा पड़े। वैसे ये इतने हैवी नहीं हैं, दिख रहे हैं ये बहुत लाइट वेट हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इनको देखने से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी ड्रेस के लिए ये बने थे। क्योंकि ईद पे तो मैं लेती हूँ हैवी इयररिंग्स, लेकिन ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेती ज़रूर हूँ, कलेक्शन बहुत है मेरे पास। ये मैंने इसके साथ इसकी बेली ली है, सेम कलर तो मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये पिंक कलर है, लेकिन हाँ इस ड्रेस के ऊपर ये चल जाएगा मेरा जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसके साथ मतलब। और हील भी नहीं पहनती हूँ मैं, हाँ जब ईद की शॉपिंग होती है इसके शॉपिंग के साथ साथ जो मुझे और अपने स्कूल के लिए कुर्ती दिखाई दी मैंने वो भी ख़रीद ली। ये कॉटन की कुर्तियाँ हैं चार पांच जो मैंने ली हैं, ये भी सब बहुत ही हल्के कपड़े में हैं। मैं ज़्यादा नहीं मोटा कपड़ा नहीं पहन पाती, गर्मी में हल्का ही पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही हल्का स्टफ़ है इनका, बड़ा खूबसूरत सी है। ये कलर्स भी इनके ऐसे ही हैं कि जो स्कूल में इजीली पहने जा सके। स्कूल में हमारे जो है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि स्कूल में कितनी गर्मी होती है, बच्चों के बीच में रहना होता है, इसलिए तो ज़्यादा हैवी और ज़्यादा मोटा कपड़ा जो है वो ज़्यादा सही नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए जो है मैं हल्के से हल्का कपड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने चार पाँच कुर्तियाँ ली हैं, बड़ी अच्छी सी हैं, बड़ी प्यारी सी कुर्ती हैं ये। और अभी इनकी मुझे जो है अल्टर करना है इनको, उसके बाद जो है मैं इनको स्कूल में पहनूंगी, अभी तो पहनूंगी नहीं, बस लेके रख लिया है मैंने। और ये हो गई मेरी ईद की शॉपिंग के साथ साथ स्कूल की शॉपिंग भी हो गई, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है फिर मुझे, स्कूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, स्कूल से आके फिर मैं स्कूल के काम में लगी रहती हूँ, अब छुट्टी हो रही है इसलिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग और कर ली ईद के साथ साथ। ये देखिए दूसरे वाले इयररिंग्स जो हैं ये भी लिए हैं मैंने इसके साथ, ये थोड़े हल्के हैं लेकिन मेरी जो है सूट के साथ पूरे मैच हैं। और मैंने जो है पर्स भी लिया है लेकिन वो मैच नहीं है, वो मैंने ऐसे लिया है इसको मैं स्कूल में भी यूज़ कर सकती हूँ। ये जो है ये हमारे कर्टेंस हैं, ये कल जो है मैं आपके साथ अपना पूरा रूम मैंने कैसे डेकोरेट किया है वो भी दिखाऊँगी, शायद मैं लाइव आ जाऊँ कल, तब तक के लिए बाय।